नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पटेल फिर से एक बार आप सबका रिजुवेनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, इसे जीने की चाह होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, इसे जीने की चाह होनी चाहिए। गम खुद है ही खुद खुशी में बदल जाएंगे, मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। जी हाँ, बात चल रही थी खूबसूरती की। खूबसूरती, हाँ जी, स्किन की। स्किन से जुड़ी हुई अलग अलग बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आइए फिर से एक बार डॉक्टर टीएन सिंह जी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि वो हमें और ज्यादा एजुकेट कर सके। सर, फिर से एक बार आपका हमारे शो में स्वागत है, वेलकम। थैंक यू। सर, हमारी बात चल रही थी कि स्किन से जुड़ी जुड़ी बीमारियों के बारे में, हम बात कर रहे थे वायरल इन्फेक्शंस की। हाँ, हाँ, और आखिरकार बात चल रही थी चिकन पॉक्स की। हाँ, तो आप हमें और ज्यादा बताएंगे चिकन पॉक्स के बारे में। मैंने बताया था कि चिकन पॉक्स का एरप्शन कैसा होता है। हाँ जी, मैंने बताया था कि उसका सेंट्रली बॉडी में सेंट्रली एरप्शन होता है, और जैसे चिकन पॉक्स लिखते हैं सी से लिखते हैं, हाँ जी, उस तरह का वो जो एरप्शन होता है उसके बीच में थोड़ा डिप्रेशन होता है। ओके। तो डायग्नोज करने में सुविधा होती है। चिकन पॉक्स में थोड़ा सा इन होता है कि फीवर वगैरह भी हो जाता है जनरली। चिकन पॉक्स माइल्ड है, बल्कि इससे अधिक डेंजरस होता है मीजल्स। ओके। बच्चों का जो होता है, क्योंकि मीजल्स होने के बाद में ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होता है, ये सब में चिकन पॉक्स में ये सब नहीं होता है। और चिकन पॉक्स के इरप्शन भी हैं वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में सारे अपने सूख करके झड़ जाते हैं, और केवल कैलामिन लोशन का अगर अप्लीकेशन किया जाए तो करीब करीब नॉर्मल आ जाता है। कहीं एक दो जहाँ बड़े इरप्शन हुए वहाँ पर कुछ स्पॉट रह जाता है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स का जो इरप्शन होता था पहले, इरिटिकेट हो गया है स्मॉल पॉक्स, उसका होता था कि चेहरे पर दाग पूरे के पूरे गड्ढे गड्ढे जैसे बन जाते थे। अच्छा। और चिकन पॉक्स का इलाज में अगर इसका दवा देनी है इसकी, तो ये साइक्लोविर जो मैंने बताया था, इस पर बताया था कि इसमें हर्पी जो आता है उसमें देते हैं, बहुत हाई डोज में देते हैं, वही वायरस है, उसी से मिलता जुलता वायरस है। तो उसमें हर्पीज में 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स देते हैं, इसमें है कि 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स देते हैं। अच्छा। माइल्ड डोज है। ओके। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई खास जरूरत नहीं है। केवल सिम्टोमेटिक मेडिसिन देना है, फीवर के लिए पैरासीटामोल दे दें। अच्छा। अगर और कोई दिक्कत अगर हो रहा है कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वो जो इरप्शन आए हैं उसमें कुछ पेन है या बर्निंग सेशन हो रहा है, तो कैलामिन लोशन दे सकते हैं हम। ओके। और अगर उससे कहीं सर्दी खांसी वगैरह हुई है, हो सकता है कि कुछ उसका वो रिएक्शन इसका टाइप हो, एलर्जी हुआ हो, तो लिवोसिट्रिजिन 1 टैबलेट दे सकते हैं हम लोग, 5 मिलीग्राम का, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सुना है कि एक बार अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ तो दोबारा नहीं होता है, तो ऐसा होता है क्या? जनरली एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है ना इसके बदले में। अच्छा। तो एक बार एंटीबॉडी फॉर्म हो गया ना, तो उसके बाद में दोबारा होने का चांस नहीं रहता है। ओके। यही बेनिफिट डॉक्टर लोगों को होता है, या पैरामेडिकल स्टाफ जो है, नर्सिंग स्टाफ है, ये लोग सारी बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो सारी बीमारियों के करीब करीब जो इन्फेक्शस डिजीज हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शस हैं या वायरल हैं, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी उनके बॉडी में फॉर्म कर जाता है। अच्छा सर, आपने बताया कि चिकन पॉक्स में स्कार नहीं होते हैं, तो मैं आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि मुझे भी चिकन पॉक्स हुआ था और मेरे चेहरे पे स्कार रह गए उसकी वजह से। वो अपने ख़त्म हो जाएगा, आप उस पर कैलामिन लगाया करो और कोई दूसरे एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्कार्स जो अगर अधिक हैं तो कोई भी स्टेरॉइड्स अगर लगाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा। उस पॉइंट पर ही कोई भी कॉर्टिको स्टेरॉइड्स का जो ऑइंटमेंट आता है स्टेरॉइड्स का, वो लगाने के बाद में भी बेटनोविट कमल आता है, फ्लूकॉट आता है, कोई भी किसी को भी थोड़ा थोड़ा सा उस पर लगाया जाए, रात में लगा दें, तो 1 महीने के अंदर में खत्म हो जाएगा उसका भी इलाज है। अच्छा। अगर हम किसी के साथ में रहते हैं, उसको चिकन पॉक्स हुआ है, तो हम क्या पहले से कोई दवाई नहीं ले सकते ताकि हमें वो ना हो? ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है कि लेने का ही है। अच्छा, अगर हमने किसी को एक रूम में रखा है, हाँ, अलग रूम में, अब उसको चिकन पॉक्स ठीक हो गया, हाँ, तो फिर उस रूम में बाद में भी कोई आएगा तो उसको इन्फेक्शन होगा ना? नहीं, तो डिसइन्फेक्ट करते हैं ना रूम को। अच्छा। डिसइन्फेक्ट करते हैं, और इसका टाइम जो है 15 दिन तक, जब तक इन्फेक्शन का पीरियड है, उस टाइम में अगर खत्म भी हो गया है, थोड़ा सा भी रह गया है, तो इन्फेक्शस है वो। अच्छा। तो उतना दिन तक, 2 वीक तक थोड़ा सा आइसोलेट करते हैं हम लोग। सर, ये जैसे चिकन पॉक्स जब होता है और मम्मी बच्चे की केयर करती है, तो उनको क्यों नहीं होता है? इसलिए कि जो जितना
रिस्क बच्चा कवर कर रहा है उसमें है, तो बच्चे के साथ मम्मी को रहते रहते उनके शरीर में भी एंटीबॉडी फॉर्म कर जाता है। ओके, जैसे डॉक्टर को नहीं होगा जल्दी, मैंने बताया ना पहले भी कि डॉक्टर हुआ, नर्सेज हुई, इन लोगों का इनके बॉडी में भी वो एंटीबॉडी फॉर्म कर जाता है। वही चीज मदर में भी होता है, एंटीबॉडी फॉर्म कर जाता है। अच्छा, तो उसमें लेकिन बाकी फैमिली के मेंबर जो है वो हमेशा उसके कांटेक्ट में नहीं है। हाँ। कभी आए मिले चले गए तो उतना से एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगा। ओके, इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग लेते हैं अब वायरल के बाद में, फंगल इन्फेक्शन। ओके, फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। हाँ। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, फंगस जहाँ भी मॉइस्चर होगा, दीवार में भी अगर मॉइस्चर होगा, कहीं वुडन आपका कोई सामान है मॉइस्चर होगा तो उसमें फंगस लग जाता है। Right. वही फंगस बॉडी का भी हालचाल है। बॉडी में भी कहीं पर मॉइस्चर वाला जगह, जैसे आर्मपिट में हो गया, ग्रोइन में हो गया, जहां पर कि अंडर गार्डमेंट्स वगैरह लोग पहनते हैं और थोड़ा सा भी गीला, जल्दी जल्दी में थोड़ा बाथरूम में गए, पूरा पानी पोंछा भी नहीं, कपड़ा पहन लिया, कपड़ा कुछ थोड़ा सा गीला ही है पहन लिया, धूप में कपड़ा ठीक से सूखा नहीं, उसमें भी एक से दूसरे को होगा। एक आदमी का टॉवल अगर दूसरा कोई यूज करे परिवार में तो उसको भी हो जाएगा। अच्छा, और इस रेकरेंस भी करता है, एक बार होने के बाद में जब भी मॉइस्चर होगा तो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एंटी फंगल टेबलेट आता है, फ्लूकोनाजोल करके आता है, ग्राइसोविन करके आता है, सबका अलग अलग डोज है। फ्लूकोनाजोल वीक में एक बार देते हैं, एक महीना डेढ़ महीने तक अकॉर्डिंग टू पोजिशन कैसा है। ग्राइसोविन मॉर्निंग इवनिंग 250 मिलीग्राम दिया जाता है, और भी सारी दवाएँ हैं, एंटी फंगल एजेंट है उसको देते हैं हम लोग। लोकल एप्लीकेशन में भी है, उसके ट्यूब्स आते हैं जो आते हैं कोटराइ में, जो और भी चीज का है देते हैं। लेकिन परमानेंट मैंने कुछ दिनों तक की ठीक रहने के लिए कोशिश किया जाए कि डस्टिंग पाउडर लगाया जाए। ओके, खास करके जहां पसीना आते हैं वहां पर 2 महीने तक लगातार, जैसे कैंडिड पाउडर वगैरह आता है मार्केट में मिलता है, ये नहीं कॉस्मेटिक पाउडर नहीं, मेडिकेटेड। अच्छा। फंगल के लिए जो देना है एंटी फंगल जो, उसको लगाना है जब भी स्नान करते हैं, लगा करके तब कपड़ा पहने। ओके, तो उसमें चला जाएगा। ओके, फंगल। दूसरा एक फंगल इन्फेक्शन और होता है कैंडिडिएसिस। कैंडिडिएसिस होता है जो मैंने फुट के फिंगर वेब्स में होते हैं। हाँ, फुट जी, के फिंगर वेब्स में व्हाइट व्हाइट तरह का होता है। जो लोग पानी में अधिक रहते हैं और उनका वहां से पानी खत्म नहीं हो पाता है, या जिनके बीच में फुट में वहां पर जगह कम है, सटा हुआ है, वो रह जाता है, तो वहां पर बहुत अधिक होता है। अच्छा, तो वहाँ भी यही पाउडर अप्लाई करते हैं हम लोग, दवा सेम है, लेकिन उसमें जीवी पेंट बड़ा अच्छा काम करता है, जेंसन वायलेट पेंट। अच्छा, है सस्ता लेकिन उसको लगाने से जल्दी सूखता है, मैंने ड्राई हो जाता है जल्दी। अच्छा, तो फंगल इन्फेक्शन में इतना ही है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि एपिडर्मिस में आपके 2 तरह के ग्लैंड होते हैं ना, एक है स्वेट ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था, जिसे स्वेट सीक्रेट होता है, तो उसकी बीमारी भी होती है। जो प्रिकली हीट होता है ना, ओके, प्रिकली हीट नहीं होता है, घमौरियों जिसको कहते हैं लोग, हाँ, हाँ। गर्मी के दिनों में हो जाता है। ओके, तो ये उसी की बीमारी है। अच्छा, ये स्वेट ग्लैंड में, उसके ग्लैंड के ऊपर जो उसका छेद बना हुआ जिससे स्वेट निकलना चाहिए, अगर वो ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक हो जाने पर वहाँ एरप्शन होगा। अच्छा, और वही प्रिकली हीट है। ओके, प्रिकली हीट होने के बाद में लाल 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 निकल जाते हैं। हाँ, तो उसमें यही तरीका है कि उस आदमी को दिन में कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार ठंडे पानी से नहाना है। अच्छा, गर्म पानी से नहीं। ओके, गर्मी का दिन है, ठंडे पानी से आप नहाओ, क्लीन होना चाहिए, उस पर कभी भी डस्ट उस पर रहना नहीं चाहिए। अच्छा, जितना क्लीन रहेगा वो बंद नहीं होगा, छेद तो ठीक रहेगा। हो गया है प्रिकलीट हो गया है तो उसमें इरिटेशन वगैरह है, उसके लिए है कि प्रिकलीट पाउडर आता है, डर्मिकुल पाउडर आता है, बहुत सारे पाउडर आते हैं, टेलकम पाउडर आते हैं, वो लगाने से थोड़ा सा इरिटेशन कम होगा, लेकिन वो कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इलाज है, इसी यही इलाज है कि उसको क्लीन रखा जाए और ठंडा रखा जाए, कोल्ड रखा जाए। अच्छा, दूसरी बात है कि उस पर कलामिन लोशन भी लगाएंगे तो ठंडा रहेगा। ओके, कलामिन लोशन, उसमें हम लोग विटामिन सी देते हैं, विटामिन सी 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार देते हैं। अच्छा, और अगर इरिटेशन हो रहा है, इचिंग है, तो लिवोसिट्रिजिन देते हैं 5 मिलीग्राम का एक टेबलेट। अच्छा सर, ये जो घमोरिया निकलती है तो आपने बताया कि ये इस तरह से मतलब ब्लॉक हो जाता है छेद, तो फिर वहाँ से घमोरिया हो जाती है, पर ये एग्जिट क्यों होता है? यही कहा ना, उसका छेद बंद हो गया ना, पर वो छेद बंद होता है क्योंकि डस्ट आता है, डस्ट से बंद हो गया तो वो तो निकलना तो है ना, उसके बाद एरप्शन हो जाएगा। गर्मी में ही क्यों?
गर्मी में ही तो उच्छेद बनने की जरूरत है, इस जाड़े में जरूरत ही नहीं पसीने की ना। अच्छा पसीने को बाहर निकलना चाहिए, निकलने नहीं देता है, इसलिए करप्शन होता है। अच्छा अच्छा समझ गई। दूसरा है आपका सीबेसस ग्लैंड, हमने बताया था कि सीबम सिक्रीट होता है, इपिडर्मिस में ही है ग्लैंड। अगर वहां ब्लॉकेज होगा, वहां पर दिक्कत होगा, तो वहां सीबम, जिसके चेहरा जिसका वाइली हम कहते हैं, ऑयली, तो जहां सीबम अधिक होगा तो वाइली होगा, उनको ही अधिक होता है एक्नी, जिसको हम पिंपल्स कहते हैं। लोग कहते हैं कि पिंपल्स निकल गए हैं हमारे। जनरली ये एज का एज ग्रुप होता है 14 ईयर से लेकर के 28 ईयर्स तक अधिक तंग करते हैं बच्चों को, लड़का हो लड़की हो किसी को भी इस एज के, लेकिन आगे भी निकलता है, ऐसी बात नहीं है। हमको तो बने आती हैं 40 ईयर्स तक की आती हैं, उनको भी निकलता है। तो इसमें भी है कि चेहरे को, क्योंकि यहाँ भी सीबम ब्लॉक कर रहा है उसको, ग्लैंड के इसको ठीक वैसे ही ब्लॉक कर रहा है, तो यहाँ इरप्शन हो रहा है, लेकिन इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो हमारी गलती से होते हैं। अच्छा। थोड़ा सा इरिटेशन होता है और उस इरिटेशन को लेकर के हम उसको कर देते हैं, नाखून से लगा देते हैं या दाब देते हैं कि दाग नहीं होगा। लोगों को कन्फ्यूजन है कि दाब देने से निकल जाएगा तो दाग नहीं होगा, उल्टा दाग होता है। अच्छा। और एक जगह दाबने से तीन जगह निकलेगा वो, ओके, बगल में ही और फैल जाता है। अच्छा। और आगे चल करके बाद में इसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो एक्नी वल्गरिस हो जाता है, अच्छा, वल्गर लुक हो जाएगा उसमें, डिप्रेशन, दाग दाग हो जाते हैं। आप देखते होंगे कितने लोगों को पिंपल्स निकले हैं लेकिन एकदम पूरे चेहरे पर दाग हो जाता है, अच्छा, ब्लैक डिप्रेशन हो जाता है। हाँ हाँ तो उन लोगों के लिए हम लोग दवा मेडिसिन देते हैं, तो इसमें भी एक क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक आता है, क्लिंडामाइसिन आता है उसको देते हैं लगाने के लिए। सल्फर का प्रिपरेशन आता है उसको देते हैं, कैलामिन लोशन देते हैं लगाने के लिए, अरेटिनोइक एसिड का प्रिपरेशन आता है, ये चेहरे पर लगाने के लिए देते हैं, दो महीने तक चलता है। लेकिन जब वल्गरिस हो गया, एक्नी वल्गरिस हो गया, तब एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। अच्छा। तो एंटीबायोटिक दो ग्रुप आता है, डॉक्सीसाइक्लिन आता है 100 मिलीग्राम का, ओके, एक रात में देते हैं हम लोग 45 डेज लगातार, ओके, और उससे भी अच्छा अगर बड़ा बड़ा हो गया है तो मिनी साइक्लिन करके आता है टैबलेट, ओडी देते हैं, एक ही बार देते हैं 100 मिलीग्राम का ये भी, ओके। तो ये दवाई देने से होगा, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं जो एक्ने का ये इश्यू तो जैसे सबको है, हाँ। पर ये एक्ने जैसे कई बार ऐसा पर्टिकुलर एज में होते हैं और उसमें आप कितना भी क्लीनलीनेस रखो उसमें होता ही होता है, लेकिन ना हो उसके लिए क्या करें? नहीं होने के लिए वही है ना कि चेहरे को आप साबुन से हो, फेस वॉश से हो, जैसे भी दिन में 3 बार 4 बार धोते रहो। अच्छा। कहीं आप बाहर निकलते हो, आ गया सीबम अधिक सिक्रीट हो गया तो ऑयली अधिक हो गया, तुरंत आकर के आप उसको धो लें, उस पर अगर डस्ट पड़ गया अब ब्लॉक हो गया तो निकलेगा। अच्छा। निकलने के बाद उससे छेड़छाड़ किया गया, उसको दाबने से और बढ़ता चला जाएगा, यही अच्छा। होता है। और जनरली बच्चे मानते नहीं है, उससे जरूर थोड़ा सा इरिटेशन होगा, दाबेंगे ये करेंगे, बल्कि उसको लेकर के थोड़ा सा चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हाथ गर्म है उसको लेकर भले सेक दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, तो उसको सेकने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा? जल्दी ठीक हो जाएगा ना, सेकने से कोई भी इरप्शन होता है उसको सेकने से जल्दी हो जाता है। अच्छा। अगर उसमें पस भी फॉर्म हो रहा है तो जल्दी पस होकर के निकल जाएगा। अच्छा, और एक होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है ना एक्ने? नहीं, ये हार्मोनल चेंज से नहीं होता है, इसमें क्या है कि एज फैक्टर में क्या प्यूबर्टी आने के बाद में, तो इसको कोई हार्मोन से मतलब नहीं है, उस समय क्या होता है कि सीबम का सिक्रीशन अधिक होता है, ओके, इससे ऐसा होता है। अब इसके बाद आगे दूसरे डिजीज पर हम आएंगे, ओके, तो दूसरे डिजीज में आएंगे इसके बाद में होता है कुछ इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट बाइट, हाँ जी, जो बॉडी में इंसेक्ट वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। ओके। आर्थ्रोपोड्स का मतलब हो गया जिसके पैर बहुत अधिक हैं। ओके। उसको जब ठीक से देखा जाए, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन माइक्रोस्कोप में देखा जाए उसको या ऐसे भी लेंस से देखा जाए उसको तो पकड़ में आ जाए कि उसके कई एक पैर हैं। हाँ। तो अलग अलग होते हैं, उसको पेडिकुलेसिस कहते हैं। अच्छा। तो पेडिकुलेसिस कैप्टिस कहते हैं जो सर में होते हैं, सर में जू जिसको कहते हैं, उसको पेडिकुलेसिस कैप्टिस कहते हैं। ओके। इसके पहले मतलब इसको जो कैप्टिस मैंने बताया उसका जो बॉडी में आएगा तो कॉर्पोरिस कहते हैं उसको, पेडिकुलेसिस कॉर्पोरिस। अच्छा। जो बॉडी लॉस कहते हैं। अच्छा। ये आजकल तो जो साफ रहते हैं लोग, सफाई रहते हैं, देहात में अभी जो जाड़े का समय है ना, 7 दिन 8 दिन अगर स्नान नहीं करेंगे तो सफेद सफेद से बॉडी लॉस हो जाते हैं। अच्छा। और वो काटते हैं मतलब ब्लड लेते हैं तो पेन भी होता है, इरिटेशन होता है और वो फैलता बहुत अधिक है। अच्छा। उसके एक सितने हो जाते हैं कि पूरे बॉडी में फैल जाएंगे, वो कपड़े के अंदर में जैसे जो भी कपड़ा पहन रहे हैं उसमें एकदम लेयर बाय लेयर एकदम जमा रहता है, सो व्हाइट व्हाइट।
तो ये गंदगी से होता है, मतलब हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन नहीं होने से। अगर बालों में जैसे जूहे आप खोल रहे हैं ना, तो वो क्यों आती है? प्रॉपर कंघी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी बाल में गंदगी रहेगी तो होगा। अच्छा, बाल में गंदगी रहेगी तो होगा। और उसके लिए कुछ नहीं है, इन सबों के लिए एक होता है परमेंथिन 1% करके, उसी का लोशन वगैरह लगा लेने के बाद में, या फिर आता है बेंजोइल, बेंजोइट का शैम्पू आता है सर में लगा लेने से, एक या दो या तीन अगर शैम्पू हुआ, एक या दो बार से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा। या फिर उसके बाद में परमेंथिन लोशन लगा लिया गया भीतर, तो उसे खत्म हो जाता है। और इसी में आता है इसमें पेडिकुलेसिस नीचे आता है, तो उसको प्यूबिस कहते हैं, जो इंग्वाइनल रीजन में होते हैं। ओके। और पैरों में जो होते हैं वो क्रैप्स टाइप के होते हैं, जैसे इसमें होता है ना कुत्ते वगैरह में, देखते होंगे इतना इतना बड़ा होता है, जिसे कई एक वो आदमी में भी हो जाता है, मनुष्य में भी हो जाता है, वो उससे ही डॉग से ही आ जाते हैं। अच्छा। और वो बड़ा बड़ा सा हो जाता है बाद में, कहीं पर इसमें एक्जिला वगैरह में हो गया, पकड़ में नहीं आता है, तो इतने बड़े बड़े पकड़ लेते हैं। तो उसके लिए भी यही उपाय है, एक तो बाल को रिमूव करना पड़ता है, और दूसरा है कि 1% परमेंथिन अगर देते हैं तो हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इसमें सबसे अधिक इंसेक्ट बाइट में जो रिस्की है वो है स्केबीज। अच्छा। ये भी हाइजीन ही नहीं मेंटेन करने से, गंदगी से होता है, बच्चों में अधिक होता है। okay. और ये बहुत स्प्रेड करता है। अच्छा। अगर फैमिली में एक आदमी को हुआ तो सारे फैमिली मेंबर्स को हो जाएगा, एक का टॉवल को यूज किया, एक के बिस्तर पर अगर सो गया तो हो जाएगा, उससे बिस्तर से फैल जाते हैं। स्कूल में कोई बच्चे को हुआ है, दूसरा बच्चा उसे बगल में बैठ गया, तो उसको भी हो जाएगा। okay. और वो घर में आएगा तो सारे घर के परिवार के मेंबर को हो जाएगा। okay. तो इसका इलाज जो करते हैं हम लोग स्केबीज का, वो पूरे फैमिली को एक साथ करते हैं। अच्छा। तो पहले तो बेंजोइल बेंजोएट कहता था लोशन, 3 दिन तक अप्लाई किया जाता था, मॉर्निंग इवनिंग 3 दिन तक स्नान नहीं कराते थे हम लोग, लेकिन थोड़ा उसका फ्लेवर जो है, स्मेल बुरा होता है। ओके। अब उसके बाद में 1% परमेंथिन है, वो 1 से 2 बार लगाने में ठीक हो जाता है। ओके। लेकिन फैमिली के सारे मेंबर को एक साथ यूज करना चाहिए, और 3 दिन के या 1 दिन के बाद जब लगाते हैं परमेंथिन, जब ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो सारे कपड़ों को लेकर के आधे घंटे तक उसको बॉयल करना पड़ता है गर्म पानी में, और सोडा और या इसके डिटर्जेंट के साथ में। अच्छा। तब वो जाकर कीड़े मरते हैं। इसके बाद में पिगमेंट्री डिजीज होते हैं। ओके। पिगमेंट वाले, पिगमेंट, हाँ, पिगमेंटेशन वाला में, तो सन वगैरह से लगने के बाद हाइपर पिगमेंटेशन होता है, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। हाँ जी। डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। तो उसका भी वही है कि सन से बचे। ओके। बेस्ट तो होता है छाता लगा करके चले, जो संभव नहीं है आजकल की जिंदगी में, सब कोई पसंद नहीं करते हैं, तो फिर सनस्क्रीन लगाइए। अच्छा। सनस्क्रीन में यही है कि SPF 30 होना चाहिए। अच्छा। 15 भी आता है, लेकिन 30 प्रॉपर काम करता है। 50 भी आता है, 50 थोड़ा एक्सेस हुआ। अच्छा। लेकिन 30 पूरा काम करता है। अच्छा। और ये लगाना तभी है जब धूप में निकल रहे हैं। ओके। नहीं धूप में लगा रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो नहीं लगाना चाहिए। ओके। और जो हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है उसके लिए रात में हम लोग देते हैं लगाने के लिए एस्ट्रॉयड्स आते हैं, कोर्टिजोन का ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, उसको रात में लगाने के लिए 2 महीने के लिए देते हैं। अच्छा। धीरे धीरे उससे खत्म हो जाता है। अच्छा सर, एक और बात पूछनी है, जैसे सनस्क्रीन लोशन की अभी बात निकली है, तो अगर सनस्क्रीन लोशन हम यूज करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि फिर अगर सनस्क्रीन लोशन लगा के निकलेंगे तो ऑब्वियसली विटामिन डी नहीं होगा, हमें नहीं मिलेगा, तो हड्डियों के फिर डिसीज होना शुरू हो जाएंगे। तो चेहरे पर ही लगाते हैं हम। हाँ, तो वही कि जैसे हाथ खुले हैं तो कई बार है ना हाथ पे भी लगाया जाता है, तो ऐसा है कि जैसे हमने इतने पोर्शन में लगाया तो ये पोर्शन में फिर प्रॉब्लम होगी? होता क्या है कि सन एक्सपोजर जो होता है, तो सन एक्सपोजर से भी हाइपर पिगमेंटेशन हुआ। यस। तो ऐसा है कि ये टिपिकल होता है कि सन का अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन ओपन एक्सपोज पार्ट्स में ही होता है। okay. तो इसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि फुल स्लीव का या तो शर्ट आप पहन करके निकलो, गर्मी का भी दिन है, या फिर लड़कियां हैं या लेडीज हैं उनको भी हम कहते हैं कि ब्लाउज फुल पहन करके आप जाओ। अच्छा। पार्ट एक्सपोज नहीं रहे। ओके। वही बेस्ट है। पूरे शरीर में कहां सनस्क्रीन लगेगा। ओके। तो पार्ट को ही एक्सपोज करने से बचाना है। ओके। अगर सनबर्न हो रहा है उसमें क्या होता है कि लाल लाल दाने भी आते हैं, तो उसके लिए हम लोग लिवो से टेबलेट देते हैं, एक एक गोली खाने के लिए 5 मिलीग्राम का, और साथ साथ कैलामिन लगाने के लिए देते हैं, और विटामिन सी 500 मिलीग्राम मॉर्निंग इवनिंग देते हैं। ओके। तो इससे कम होता है, बच जाता है। अच्छा सर, अभी हमारी बात स्किन के लिए चली रही है, तो एक जरूरी बात मुझे याद है कि अभी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें से कहा जाता है
कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तीन हाँ स्टेप जरूरी है। तो जैसे हाँ आपने बोला कि पोर्स ब्लॉक हो जाने की वजह से एक्ने हो जाते हैं, फुंसियाँ हो हाँ जाती है, तो ये तीन स्टेप क्या सही है या ऐसे ही ये मार्केट में देखिए बोलते हैं? ब्यूटी पार्लर का चीज है ये। अच्छा ऐसा है कि क्लींजिंग जो करते हैं, क्लींजिंग मिल्क लगाते हैं, तो मेरी समझ से वो तो स्किन को और इरिटेट करता है। अच्छा बेटर ये है कि आप फेस वॉश से और साबुन से चेहरे को धोएं, अच्छा उससे अच्छा क्लीनिंग और किससे होगा। अच्छा हम क्लीनिंग क्या चीज का कर रहे हैं, डस्ट का ही क्लीन कर रहे हैं ना चेहरे से। अच्छा हम चमड़ी को तो नहीं ये करेंगे, क्लीन अच्छा करेंगे पोर्स हम। को ब्लॉक नहीं करे, ऐसा कोई ऐसा तो बस प्रोडक्ट केवल आता है? साबुन से ही हो जाएगा, अच्छा उसी से हो जाएगा, साबुन से ही हो जाएगा, ओके। फेस वॉश से हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और और ये सीधे आप टोनिंग, मॉइस्चराइजर लगाओ अच्छा उसके टोनर बाद से, में। ऐसा कहा जाता है कि टोनर करते हैं तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, ओपन हाँ हो गए, तो हाँ उसको बंद करने के लिए टोनर यूज करते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, हम लोगों के इसमें कोई मेडिकल साइंस में ऐसा कोई बात नहीं है। ओके। हम तो सीधे कहते हैं कि चेहरा आप साफ रखो, साबुन से धो। कहीं से बाहर से घूम कर आते हैं, अगर साबुन नहीं भी अवेलेबल है उस समय, तो पानी से कम धोकर टॉवल से अच्छी तरह से साफ कर लो चेहरे को। ओके एक तो हुआ हाइपर, हाइपर हुआ कि सन लाइट से, अल्ट्रावायलेट से आपका हाइपर हुआ, मतलब डार्क हो गया, स्पॉट अच्छा हो गया। दूसरा ऐसा भी होता है कि व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, जो बहुत सोशल इसमें भी कॉस्मेटिक सेंस से भी लुक देखने में खराब लगता है, कि व्हाइट व्हाइट दाने ये हो गए, गोल गोल स्पॉट्स हो गए। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में, जो मैंने पहले बताया है, पहले एपिसोड में बताया है, कि मेलनोसिल में ये आता है, ग्लैंड जो होता है, तो उससे मेलानिन पिगमेंट बनते हैं। और मेलानिन पिगमेंट जब उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, उस जगह पर व्हाइट हो जाएगा, स्पॉट होगा। तो फॉर्मेशन अगर कम होता है मेलानिन पिगमेंट का, ओके तो अब आपको छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे, जो जिसको विटिलिगो कहते हैं हम। लेकिन अगर एकदम ही फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ग्लैंड मेलानिन का फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो गया है, तो वो स्प्रेड करते चले जाएंगे बहुत, तो पूरा शरीर में व्हाइट पैचेज हो जाते हैं, जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं, अच्छा जो पूरे शरीर में फैल करके एकदम व्हाइट ही हो जाता है पूरा का पूरा। हाँ कितने लोगों का हो जाता है व्हाइट, हाँ उसका उसका इलाज नहीं है, ओके विटिलगो का इलाज है। ओके ओके विटिलगो में क्या है कि खट्टी चीजें हम लोग मना करते हैं खाने में, क्योंकि ओके खट्टा खाने से वो ग्लैंड में मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन और बहुत स्लो होता है, कम होता है। अच्छा और दूसरा है कि स्टेरॉइड्स ही लगाने के लिए कहा जाता है, ओके और धूप में बैठने के लिए हम कहते हैं कि 10 मिनट जरूर आप धूप में बैठो। और पानी पीने के लिए उसमें हम लोग ये बताते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी रख करके उसका पानी पिया करें, तो थोड़ा मेलानिन का पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन अधिक होता है। अच्छा तो पिगमेंट्री डिजीज जो हम चल रहे थे उस पर आ गया। इसके बाद एलर्जिक डिजॉर्डर पर हम आ रहे हैं। एलर्जिक बहुत कॉमन है, इसके पेशेंट्स भरे रहते हैं हम लोगों के पास में एलर्जी का। इसको दो रूप में लेते हैं, एलर्जी जब भी हुआ तो एलर्जी का मतलब ही हुआ कि कोई ना कोई एलर्जेंट है आपके पास में। इवन अच्छा कोल्ड क्लाइमेट हुआ, ठंडा पानी हुआ, ठंडा आप छाछ पी लिए, कुछ भी कर लिए, या कोई ऐसा, बाद में मैं बताऊंगा एलर्जेंट का सब नाम लूंगा आपको। तो एलर्जेंट हुआ तो जैसे एलर्जेंट बॉडी को कांटेक्ट किया, तो उसके डिफेंस में, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा, एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगा। अच्छा और जब एलर्जेंट एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो हिस्टामिन प्रोड्यूस होगा, ओके और हिस्टामिन प्रोड्यूस होगा तब तो वहां पर लाल रंग का होगा, अर्टिकेरिया हो जाएगा, फ्लेयर अप होगा वहां पर, तो इचिंग शुरू होगा वहां पर, हाँ तो ये स्किन में प्रोमिनेंट होगा जो नहीं दिखाई ओके पड़ता है। तो इसको दो पार्ट में करने से आप समझ जाओगे। पहला पार्ट हम लेते हैं रेस्पायरेटरी, जो सांस के नलियों में जो होता है, ये मैक्सिमम आपको कोई भी चीज कोल्ड लेने से, पीने से, खाने से, जैसे फ्रिज में रसगुल्ला रखा हुआ है अगर निकाल कर आप खा गए, उसका भी होगा। ओके कोल्ड दही लेकर के निकाल कर खा गए, या छाछ पी लिया, कोई भी ठंडा चीज पी लिया, या ठंड लग गई, हवा ही ठंड, आजकल की मॉर्निंग में निकलते हैं, अमृत वेले में बाहर निकल गए, तो उसमें भी हो सकता है ठंड लग जाए, कोई भी चीज ऐसा हुआ, तो इसमें रेस्पायरेटरी ट्रबल होगा, जो गले के तरफ से हम जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंजेशन शुरू हो जाता है, वहां भी वैसे ही हुआ, अर्टिकेरिया जैसा ही फॉर्म होगा, लेकिन कंजेशन होगा, लाल होना शुरू हो जाएगा, थ्रोट में कंजेशन हो गया। थ्रोट में ही, थ्रोट और ईयर और नोज, इसके बीच में एक स्टेचियन ट्यूब होता है जो तीनों को कनेक्ट करता है, तो इसमें हो जाएगा कंजेशन हो जाएगा। उसके कंजेशन होने से कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा तो लोग कहेंगे गले में तो कंजेशन हुआ हमको ठंडा पानी पीने से, कान में कैसे हो गया? तो तीनों का कनेक्शन है। तो कान में दर्द हो रहा है तो हम लोग कान में दवा नहीं डालते हैं, नाक में दवा डालते हैं। अच्छा तो पेशेंट आते हैं भाग कर कहने के लिए कि डॉक्टर साहब आप, मैंने तो बताया था कि मेरे कान में दर्द हो रहा है,
आप नाक में डबल डलवा रहे हो राइट तो नाक के थ्रू चूंकि कान में दवा डालने से भीतर तो जाएगा नहीं, स्टेचियन ट्यूब में नहीं जाएगा, सही है। बीच में तो अपना मेम्ब्रेन है रुकने वाला, तो ड्रम है वो जाने नहीं देगा, सही तो इसलिए नाक का ही रास्ता सही है, खुला हुआ है, नाक से ड्रॉप डालते हैं, एंटी कंजेशन ड्रॉप डालते हैं जिसमें आता है मार्केट में है, निसोबियन ड्रॉप है, ओट्रिविन वगैरह डालते हैं, तो उसको लेने से वो कंजेशन दूर होता है, या फिर स्टीम लेते हैं, इनहेल कराते हैं। अच्छा, स्टीम इनहेल करना सबसे अच्छा होता है। ओके, इसी टॉपिक को हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की कि स्किन के जो डिजीज होते हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन होना, गमोरिया निकलना, एक्ने होना, फंगल इन्फेक्शन होना, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और ये सब चीज़ों में एक ही चीज़ आई कि हमें अपनी स्किन को साफ रखना है, हाइजीन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। अगर हम हाइजीन नहीं रखते, हम हमारी स्किन को साफ नहीं करते, तो ये सारी बीमारियाँ होगी। अगले एपिसोड में इससे और ज़्यादा अच्छी बातें सुनेंगे और अधिक माहिती लेंगे और ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी जाकर फिर वापस आने के लिए। थैंक यू सो मच।